नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब टीम के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे एक बॉलर ऐसा है जिसका अगर किंग्स इलेवन पंजाब ट्रेड कर लेती है और अगर इन्हें ऑक्शन में किंग्स इलेवन पंजाब अच्छी तरीके से बाई कर लेते हैं, तो उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जो बॉलिंग यूनिट है, वो एकदम मजबूत और अच्छा बन जाएगा और जो उनकी कमजोरी है वो एक मजबूती बन के सामने आएगी IPL 2021 में। और इस गेंदबाज का जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे में पंजाब के लिए ये गेंदबाज अच्छा खासा जो है सूट करने वाला है। तो पंजाब को चाहिए कि इस गेंदबाज को कैसे भी जो है टीम में खरीदा जाए और इसे जो है मैच खिलाया जाए IPL 2021 का, ताकि जो पंजाब की टीम है वो मैच को जीतते हुए आगे बढ़े और IPL 21 का जो जीतने का सपना है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए इस गेंदबाज के आने के बाद। दोस्तों, कौन सा है ये गेंदबाज, हम बात करने वाले इस वीडियो में, और इनके क्या क्या है रिकॉर्ड से भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फ़ैन है आप किंग्स इलेवन पंजाब के KL राहुल के, सपोर्ट करते इस टीम को, जिताना चाहते हैं IPL 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से जुड़ी हुई और IPL 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जा करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी बात करनी हो हमसे तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट जो है हमें इस वीडियो के माध्यम से बताते रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट भी करके बताते रहिए कि ये गेंदबाज कितना अच्छा हो सकता है पंजाब की टीम के लिए, और क्या इस गेंदबाज को पंजाब की टीम में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस गेंदबाज के बारे में कि क्या है इनका नाम और क्या है इनका रिकॉर्ड्स। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले इनके रिकॉर्ड्स के बारे में, तो जो इनका रिकॉर्ड्स है काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। इन्होंने 2016 में फर्स्ट क्लास के मैचों में जो है एंट्री किया था, यानी कि अपना डेब्यू मारा था। अगर बात करूँ इस गेंदबाज की, तो ऑस्ट्रेलियाई मुल्क का ये गेंदबाज है, ये गेंदबाज एक फास्ट गेंदबाज है। और अगर बात करूँ इनके फेम की, तो ये BBL के मैचों से अच्छा खासा जो है चमके थे। तो अगर हम बात करें इनके बॉलिंग कैरियर की, तो जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने 2 टेस्ट खेले थे, 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में, जहां पर इन्होंने जो है 6 विकेट्स झटके थे 123 रन खर्च करके। टेस्ट मैच में इकोनॉमी इतना कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इनकी इकोनॉमी रही थी 2.41 की। वहीं पे अगर हम बात करें T20 मैचों की, तो इन्होंने 9 T20 मैच खेले हैं, 9 T20 मैच के 9 इनिंग्स में इन्होंने जो है खर्चे हैं 287 रन, और इन्होंने कुल मिलाकर 9 विकेट झटके हैं। लेकिन अगर बात करूँ इनकी इकोनॉमी की, तो 8.44 की रही है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इनके वनडे रिकॉर्ड्स की, तो वनडे रिकॉर्ड्स इनका काफ़ी कुछ अच्छा है और बयां कर रहा है कि 13 मैच की 13 इनिंग में इन्होंने कुल दिए हैं 690 रन। वहीं अगर हम बात करें 13 मैचों में, तो इन्होंने झटके हैं 24 विकेट और इनकी जो इकोनॉमी रही है वो रही है 5.85 की। तो यानी कि हम ओवरऑल कंपैरिजन करें, तो ये गेंदबाज एक अच्छा गेंदबाज बन सकता है, और जिस तरीके से इन्होंने आगे प्रदर्शन किया है टीम के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करें इनके करंट परफॉर्मेंस की, वो एकदम अच्छे से निकल के सामने आ रहा है। और अगर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, तो IPL 20 में जिस तरीके से हमको उनकी कमजोरी दिखाई दी थी, टॉप ऑर्डर में बैटिंग और मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे उनकी ढीली बल्लेबाजी, और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जो एक धार वाली गेंदबाजी नहीं थी, वो सबसे बड़ी कमजोरी निकल गई थी पंजाब की टीम की। क्योंकि जब भी पंजाब की टीम मैदान में उतरती, या तो रन लुटाते नजर आती, या तो वो रन को चेस करते हुए हार जाती थी। तो मेन कारण बताया गया कि उनकी जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है काफ़ी वीक है। मोहम्मद शमी के बाद कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो कि अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सके टीम में आकर के। वहीं अगर हम बात करें शेल्डन कॉटरल को, तो उन्होंने पिछले सीज़न खरीदा 8.5 करोड़ में, लेकिन शेल्डन कॉटरल का जो परफॉर्मेंस था कुछ भी ठीक तरीके से नहीं गया। उन्होंने 6 मैच में सिर्फ 6 विकेट ही लिए थे, और एक मैच उनका ऐसा गया था जहां पे शेल्डन कॉटरल को ढेर सारा पिटाई हुई थी, जहां पे उनको 5 छक्के लगातार पड़े थे राहुल टिवटिया की तरफ से। तो ऐसे परफॉर्मेंस के बाद जो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम है उन्हें कर दिया है रिलीज़, और उनके पर्स अमाउंट में अच्छा खासा जो है अमाउंट ऐड हो गया है। जो टोटल पर्स अमाउंट है इसमें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का, वो बताया जा रहा है 53 करोड़। तो ऐसे में इस अमाउंट को पंजाब अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहेगी और इस गेंदबाज को ज़रूर खरीदना चाहेगी। दोस्तों, इस गेंदबाज का जो नाम है वो है जाही रिचर्डसन। ये BBL के मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर बात करें इनके करंट फॉर्म की, तो इन्होंने अभी हाल ही में जो मैच खेला BBL की तरफ से पर्स कोचर टीम से खेलते हुए, इन्होंने 4 विकेट झटके हैं 4 ओवर में 30 रन दे करके, और अपनी टीम को जिताया भी है। तो इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी
दिया गया है। तो ऐसे में सारे क्रिकेट जगत में इन गेंदबाज की जो है चर्चाएं चल रही हैं और सभी कह रहे हैं कि आईपीएल के ऑक्शन में अवेलेबल रहेंगे, तो पंजाब की टीम जो है इन्हें जरूर खरीदे और अपनी बॉलिंग जो यूनिट है उसको एक अच्छी से और मजबूत बना ले। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस गेंदबाज के बारे में, क्या इन्हें टीम में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फैन है आप किंग्स इलेवन पंजाब के, केएल राहुल के, सपोर्ट करते इस टीम को, जिताना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से जुड़ी हुई और आईपीएल 2021 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।